अब जो अगला स्टेप है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर या रिक्वायरमेंट की डेवलपमेंट के अंदर वो बेसिकली है कि हमने हमने रिक्वायरमेंट को हमने एलिसिट कर लिया यानी रिक्वायरमेंट को हमने गैदर कर लिया हमने रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर लिया यानी रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमने कर लिया अब अगला स्टेप ये है कि रिक्वायरमेंट को हमने अब स्पेसिफाई करना है अब इसका इसका मतलब ये है कि हमने हमने फर्स्ट स्टेप पे यूजर की रिक्वायरमेंट को समझा रिक्वायरमेंट गैदरिंग की रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन की अगला स्टेप हमने ये किया हमने रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर लिया जो हमने अभी डिस्कस किया और रिक्वायरमेंट को जब हमने एनालाइज कर लिया वी हैव बेसिकली कम टू अ कंक्लूजन कि हमने एक वर्किंग प्रोटोटाइप बना लिया जिसको हम लोग मॉकअप भी कहते हैं और उस मॉकअप का हमने बेसिकली अप्रूवल ले लिया फ्रॉम द क्लाइंट दिस इज वेयर वी स्टैंड एज ऑफ टूडे अगला स्टेप अब ये है कि अब हमने जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको हमने अब स्पेसिफाई कर दिया अब कुछ यानी कुछ बुक्स के अंदर या कुछ सॉफ्टवेयर uh, हाउस के अंदर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को अमूमन रिक्वायरमेंट और डिजाइन भी कह देते हैं या डिजाइन के अंदर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं लेकिन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि यू राइट डाउन ऑल ऑफ योर एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इन टू अली एग्रीएबल फॉर्मेट मतलब जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस की बेसिकली आउटपुट है वो बेसिकली थी हमारी वर्किंग प्रोटोटाइप लेकिन

क्योंकि डिफरेंट लोगों ने ब्रेन की है डिफरेंट लोगों ने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है नाउ यू नीड टू राइट द द व्यू ऑफ ऑल द डिफरेंट पीपल और ऑल ऑल ऑफ द डिफरेंट रिसोर्सेज इन टू वन प्लेस इन टू इन टू अ वन म्यूचुअली एग्रीएबल फॉर्मेट अब इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपके पास चार डिफरेंट लोगों की फॉर एग्जाम्पल इनपुट है इन डूइंग द रिक्वायरमेंट एनालिसिस लेकिन डॉक्यूमेंट आपके पास एक ही है यानी वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपने चार लोगों की इनपुट को लिखना है दैट इज वन डॉक्यूमेंट इसका मतलब यह हुआ कि हर जो रिसोर्स है, उसका, करने का तरीका है उसको, उसको, उसका तरीका किसी भी मसले को परसीव करने का या उसको प्रोसेस करने का तरीका ऑब्वियसली डिफरेंट है लेकिन द वे इट हैज टू बी रिटर्न दैट इज वन तो अब यहां पे बेसिकली चैलेंज ये है कि आपने चार डिफरेंट फॉर्मेट्स को एक फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है कन्वर्ज करना है दैट इज वेयर यू विल हैव अ गुड रोल और द गुड विजिबिलिटी ऑफ हैविंग अ कॉमन एस आर एस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इसका मतलब यह है कि वी हैव टू किल हीरोइज्म फॉर एग्जाम्पल अगर चार लोगों ने अपने डिफरेंट तरीके से एनालिसिस की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चारों गलत हैं या चारों सही हैं। इसका मतलब यह है कि वॉट एवर दे शुड डू वी शुड नॉट रिलाय ऑन सिंगल पर्सन वी शुड रिलाई ऑन द आर्टिफैक्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल चार में से दो बंदे छुट्टी भी हैं तो अब हम इस चीज का वेट नहीं करेंगे कि दो बंदे जब तक छुट्टी से वापस नहीं आएंगे हमने हम क्लाइंट के साथ बातचीत आगे नहीं करेंगे या हम डेवलपमेंट के प्रोसेस को रोक देंगे तो इफ यी हैव अ म्यूचुअली एग्रीएबल एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट देन वी डोंट नीड द्यूमन इनपुट वंस इट इज इट इज डन इसका मतलब यह है कि जब भी हमने analysis करना है, तो हमने यह दिमाग में रखना है कि हमने analysis के अंदर किन किन चीजों का ख्याल रखना है क्योंकि ड्राइविंग फोर्स आपका एस आर एस का टेम्पलेट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड एग्रीएबल होता है यानी इट इज इटिव ऑफ द प्रोजेक्ट इट इज इक्टिव ऑफ एनी पर्सन यानी देर इज नो हीरो अगर अगर किसी बंदे ने एनालिसिस करना है तो ड्राइविंग फोर्स उसके लिए एस आर एस होगी उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है या जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के अंदर फिल इन करनी है उस बंदे ने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है क्योंकि हमारा जो रेफरेंस का डॉक्यूमेंट होगा वंस वी आर डन विद द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वो कोई बंदा नहीं होगा वो बेसिकली एस आर एस का डॉक्यूमेंट होगा यानी क्लाइंट के साथ जो आपकी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कोई बंदे के साथ नहीं होगा वो एक्चुअली एस आर एस के साथ होगा जो कि आपकी आपकी डेमोज को ड्राइव करेगा आपकी डिलीवरी को ड्राइव करेगा डेवलपमेंट को ड्राइव करेगा और एट द एंड ऑफ द डे आपके फाइनेंसिस को ड्राइव करेगा यानी खुदा ना खासा अगर इफ देर इज अ मेस इन इन अ प्रोजेक्ट और आपका लॉ सूट हो जाता है आप कोर्ट में चले जाते हैं तो कोर्ट के अंदर भी वर्बल बात नहीं होगी जो जिस जिस चीज की बेस के ऊपर आपने आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो चीज प्रेजेंट होगी यानी एस आर एस डॉक्यूमेंट तो इस डॉक्यूमेंट की अहमियत बहुत ज्यादा होती है इससे बेसिकली हम दो चीजें अचीव चीज़ कर रहे होते हैं वी आर किलिंग द हीरोज इन द कंपनी आई मीन नॉट इन अ लिटरल सेंस इससे मुराद ये है कि हम किसी बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे नंबर वन नंबर टू कि आपकी जितनी भी डेवलपमेंट है वो डॉक्यूमेंट ड्रिवन है यानी डॉक्यूमेंट सेंट्रिक है नॉट अ पर्सन सेंट्रिक कि फॉर एग्जांपल आपकी रिसोर्सेज अगर अवेलेबल नहीं भी हैं तो दिस डज नॉट मीन कि यू शुड स्टॉप वर्किंग और वेट करें किसी बंदे के वापस आने का तो बेसिकली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड एसआरएस का टेम्पलेट या जो भी डॉक्यूमेंट एग्री हुआ हुआ है दैट शुड बी दैट शुड बी फिल्ड इन बाय बाय द टीम और फिर आप उसके ऊपर क्लाइंट से फॉर्मल बाइन लेते हैं